हेलो एवरीवन, वेलकम टू यासिर अली क्लासेस। आज बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बहुत मज़ा आएगा आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लिंक कर सकते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे थोड़ी सी वेक्टर की, और उससे पहले थोड़ा सा बेस बनाएंगे अपना वेक्टर को समझने के लिए, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर। इसके लिए पहले हम थोड़ा पुराना रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, यूनिट्स की सिग्निफिकेंस देखी थी। इसके अलावा क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने स्केलर को देख लिया था कि किस तरह से डायरेक्शन में की रिक्वायरमेंट है या नहीं, हम वो ऑब्जर्व करते हैं। अब जो है बात करने जा रहे हैं वेक्टर की, और बहुत डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आप बहुत अच्छा अपना एक बेस बना सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ऐसा टॉपिक है जो आपके नाइन्थ पूरे, आपको नाइन्थ सताने वाला है, फिर टेंथ में भी सताएगा, इलेवेंथ ट्वेल्थ में तो हद ही कर देगा। हर चैप्टर में आपको मिलेगा, हर चैप्टर में वेक्टर आपको मिलने वाला है, लेकिन इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आप अभी से देख लेंगे, उसका बेस समझ लेंगे, उसकी चीजें समझने लगेंगे, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो आप क्या करेंगे उस चीज को, वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, आपकी हैबिट में आ जाएगा उस चीज को करना। फिर वो कोई बर्डन नहीं लगेगा आपको कि वेक्टर बहुत ऊंची चीज है, ठीक है? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स में है, ये खुद एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, ठीक है? तो अब उसके लिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि वेक्टर्स या फिर वेक्टर क्वांटिटी ये क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है, ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। नो डाउट मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, बात समझ पा रहे हो? डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पूरा इन्वॉल्व रहता है। बात समझ आ गई इतनी? अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमें वेक्टर में क्या क्या देखना है। तो उसके लिए वेक्टर के टॉपिक्स क्या हैं, सब टॉपिक्स क्या हैं, तो वेक्टर का हमें रिप्रेजेंटेशन देखना है, ठीक है? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ सर क्या देखोगे? सर हम कंपोनेंट देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये सब आप अभी यूजुअल हो जाएंगे इन टर्म्स के, ये कोई टर्म्स मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम एंगल निकालना देखेंगे दो वेक्टर के बीच में, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है? और भी काफी सारी चीजें हैं, और सारे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कैसे, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल टूल्स, जैसे कि एडिशन हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, बस। पूछेंगे सर डिवीजन नहीं हुआ? नहीं नहीं बेटा, ये वेक्टर हैं, इसमें एडिशन भी वो वाला एडिशन नहीं है जो आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है, वन प्लस वन टू, वो वाला नहीं है, ये अलग तरह का एडिशन है। सब्ट्रैक्शन भी वो नहीं है, ये भी अलग तरह का है, और मल्टीप्लीकेशन भी वो नहीं है, अलग तरह का है। मल्टीप्लीकेशन में भी दो चीजें पढ़ोगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, एक समझ पा रहे हो बात, एक पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ चीजें आनी चाहिए, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए। आप कहेंगे सर आप तो टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स निकाल रहे हो। देखो बेटा, जो जो चीजें आप ऐसे ना करके डीपली जाओगे तो ज्यादा देर तक, ज्यादा वक्त तक अपने माइंड में रिटेन कर पाओगे। अगर सारी चीजें समझ लोगे बहुत अच्छे से, अभी बेसिक स्टार्टिंग है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मैं सारी चीजें मोशन के अंदर ही वाइंड अप कर रहा हूं, जैसे वेक्टर हो गया और जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, वो क्यों? क्योंकि
क्योंकि ताकि शुरू में ही आप वो सारी चीजें पढ़ लें और आगे के जो टॉपिक्स आए वो हम जल्दी जल्दी कवर कर सकें। और पुराना हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी फिजिक्स की और सारी चीजें जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी। समझ रहे हो बात? तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है, आप ऐसे ही समझ लोगे। देखो बेटा, कॉम्पोनेंट्स के लिए आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इन सब चीजों के लिए भी आपको कुछ चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी। वो क्या चीजें हैं? वो बेटा एक चीज है ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे? नहीं बेटा, नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाओगे? सर इस वजह से क्योंकि ये पूरा प्योर मैथमेटिकल टॉपिक है। तो सर लिखा क्यों है? बेटा हम सिर्फ उतना कवर करने वाले हैं जितना आपके वेक्टर में इस्तेमाल होगा, या वेक्टर नहीं पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, वो सब डिस्कस कर लेंगे। और उसको डिस्कस करने के लिए उसमें भी मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। जाहिर है मैं आपको रट्टाफिकेशन तो लगवाने वाला नहीं हूं, थोड़ी बहुत चीजें जो याद करने की हैं वो मैं बता दूंगा, उसे रट्टा कह लीजिए। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि प्योरली किसी चीज पर रट्टा मारना पड़े, वो उस चीज का मैं आपको ख्याल रखूंगा आपका। तो ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे आज थोड़ी सी। क्यों बात करेंगे? क्योंकि सर मुझे ये सारे टॉपिक्स अपने फिंगर टिप्स पे लाने हैं। इन सारे टॉपिक्स के लिए क्या जरूरी है? ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अब, जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्यों जरूरी है। आप वर्क का बेटा एक फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे आगे आगे जा करके। एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा इज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको किस तरह से बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में एफ एस कॉस थीटा फिजिक्स में, जब तक मैं इस बात पे श्योर नहीं होऊंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक हल्का सा टच है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो आपके 10th क्लास में आप पढ़ेंगे एज अ होल टॉपिक इन मैथमेटिक्स, उसमें आप सारी आइडेंटिटीज सारी चीजें पढ़ेंगे, तो वो तो मैं आपको नहीं कराऊंगा इतना ज्यादा, तो जाहिर है नहीं कराऊंगा। मैं आपको एक थोड़ा सा टच दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? झलक दिखला जा समझ लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है? तो आप अब ट्रिग्नोमेट्री समझें, थोड़ा सा इस पर गौर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। समझ पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री समझ गए? क्या होता है बेटा? इसमें हम कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ते, इसमें हम स्टडी करते हैं ट्राइंगल को। किसे स्टडी कर रहे होते हैं? ट्राइंगल को। ट्राइंगल में भी हम बिलखसूस स्टडी कर रहे होते हैं बेटा किसको? राइट एंगल ट्राइंगल। ये सारी चीजें तो आप पढ़ चुके होते हैं बेटा 8th क्लास में, कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, एक आपने एक वो तो पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एक ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है? इनमें से अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, अब आप कहें सर एक से ज्यादा हो सकता है? नहीं भाई, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर एक से ज्यादा एंगल 90 ले लोगे तो तीसरा जीरो करना पड़ेगा, लेकिन तीसरा जीरो तो नहीं हो सकता। एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि तीन एंगल्स तो होने ही है, समझ रहे हो बात? तो क्या होगा, कोई एक एंगल, वन एंगल 90 डिग्री हो जाए, ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप कहेंगे सर पक्का? हां। क्या क्या पढ़ोगे? वन एंगल 90 डिग्री कर लो बस, फिर आगे देखते हैं, ठीक है? ओहो, लो बेटा, लो आपका 90 डिग्री बन गया। ये बातें समझ रहे हो? ये 90 डिग्री बन गया, यहां तक ही कंसीडर करो, सही है? ये कंसीडर कर लो, यहां ये बन गया आपका ट्राइंगल, ठीक है? ये क्या है? मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल। अरे मान लो नहीं बन रहा तो क्या करना है? ये देखो बेटा, ये मान लो ये है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री ही है, तो ये 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी,
अब सर हमें स्टडी क्या करनी है, बताऊंगा, थोड़ा सबर रखो। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ ट्राइंगल, हम इसमें ट्राइंगल की स्टडी करेंगे। ट्राइंगल में जो हमें स्टडी करना है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल करना है, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल वन एंगल 90 डिग्री हो। अगर वन एंगल 90 डिग्री हो गया तो दूसरा 90 डिग्री नहीं होगा, ये बात समझ रहे हो। एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है पता है, जिसमें सारे के सारे एंगल्स कितने हो, 90 से छोटे हो, उन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैं आपको लिख देता हूं एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल इनमें क्या होता है बेटा, ऑल एंगल्स जितने भी एंगल्स हैं, ए ले लो, बी ले लो या सी ले लो, ये सारे के सारे छोटे होंगे 90 डिग्री से। इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इसी तरह बेटा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज्ड स्पेलिंग देख लेना, एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, कोई भी एक एंगल ए हो या बी हो या सी हो। आप कहेंगे सर ये भी उसी की तरह है, बेटा हां उसी की तरह है। क्यों, क्योंकि कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा ले लोगे दूसरा एंगल फिर नहीं ले सकते ना, हमारे पास एक लिमिटेशन है 180 डिग्री की, तीनों एंगल मिला के 180 से ज्यादा नहीं बनने चाहिए, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ए बी सी आपने देख लिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इनमें ए बी सी में से कोई भी एक, सारे नहीं कोई भी एक किससे ज्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से। ये तो जनरल बातें हैं, ये तो आपको आती ही होंगी, मैं एज्यूम कर चल रहा हूं। अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल पे आते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए पहले बहुत अच्छे से समझना होगा कि बेटा बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है। आप कहेंगे सर ये कोई समझने वाली बात है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये हाइपोटेन्यूज होता है इसमें तो कोई शक नहीं, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, जो भी 90 डिग्री के अपोजिट वाली लाइन है ट्राइंगल की, 90 डिग्री के अपोजिट वाली, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और ये जो पी है, ये जो बी है, समझ रहे हो, पी और बी ये क्या है, ये परपेंडिकुलर और बेस है, क्या ऐसा ही होता है, नहीं बेटा। एक चीज तो ऑब्वियस है कि हाइपोटेन्यूज जो आप कह रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वही होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंजेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं वो बताता हूं, यानी इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और ये हो सकता है कि बेस हो सकता है, जरूरी नहीं। बहुत से बच्चे एज्यूम कर लेते हैं कि सर जो स्टैंडिंग वाला है ना वर्टिकल, वो परपेंडिकुलर होता है, और जो लेइंग डाउन वाला है, जो लेट रहा है, लेइंग लाइन कर रहा है, उसमें क्या है, वो सर जो है वो बेस होता है। लेकिन बेटा ये नहीं है, कंसेप्चुअली आप क्या होता है, कंसेप्चुअली ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है। सर डील कैसे करेंगे वो बताता हूं आपको। बेटा किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे बेटा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को ले लो, ले लिया सर, अब आप क्या करो, इसमें एक एंगल एज्यूम कर लो, कुछ भी कर लो। मैंने कहा लेट अस से हमने स्मॉल ए एज्यूम कर लिया, मैंने कर लिया एज्यूम, तुम कुछ और करना चाह रहे हो कर लो, इसमें क्या है, ठीक है। अब इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी क्यों दिया सर, हम नहीं खेल रहे, अरे मान लो यार, ठीक है। तो ए तो मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया, और इसको मैंने, या इसको छोड़ो, अभी मैंने ए माना। अब ए एंगल अगर मैंने मान लिया, तो अब जो मैं परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करूंगा ना बेटा, परपेंडिकुलर और बेस बेटा जो डिसाइड करने वाला हूं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल डिसाइड करने वाला हूं। नहीं आ रही बात समझ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल डिफाइन करने वाला हूं मैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, अब अगर मैं परपेंडिकुलर, देखो बेटा हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो गई, इस पे हमें गौर ही नहीं करना, छोड़ो क्या है, छोड़ो क्या करना, हमें नहीं करना कुछ,
ठीक है, अब मैं सिर्फ ए पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा और इस लाइन पर और इस लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को मैं नहीं देख रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब मैं जो है थीटा के बेसिस पर परपेंडिकुलर और बेस देखने वाला हूं, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक चीज करते हैं, जो भी जो हमने एंगल एज्यूम किया, आप कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं किया, उसे भी करूंगा अभी, कोई बात नहीं, आपको उसमें खुशी मिल रही है, मैं वो वाला भी एज्यूम कर लूंगा, अभी मैं ए करता हूं, ठीक है। तो ए में आप देखो, मैंने बात करनी है कि सर बताओ कि परपेंडिकुलर और बेस है क्या। तो ए के अकॉर्डिंग बेटा मैं यहां बना देता हूं, कोई भी एंगल ए अगर मैं ऐसे ले लूं, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, तो ए के अपोजिट, ए के अपोजिट जो मिलता है साइड, हमें जो भी साइड मिल जाए उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं बेटा। याद रखो, परपेंडिकुलर और बेस एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, जरूरी नहीं एक परपेंडिकुलर है तो वही परपेंडिकुलर रहने वाला है बेटा, ऐसा नहीं होता। परपेंडिकुलर और बेस जो है डिपेंड करेंगे एंगल पर, और एंगल चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर और बेस भी शिफ्ट कर जाएंगे आपस में। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, एंगल का अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड, और फिर और जो एडजेसेंट साइड होता है, यानी वो साइड जिससे एंगल लगा हुआ हो, जिससे एंगल देख रहे हो, किसी भी एंगल को दो साइड से देखते हैं ये तो आपको पता है, तो एक साइड तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गई ना, तो दूसरी साइड जिससे वो एंगल मेजर कर रहे हैं उसे हम बेस कह देते हैं बेटा। बेस का एक और नाम होता है, वो क्या होता है, उसको हम कह देते हैं बेटा ये एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब सर, एडजेसेंट मतलब बेस इज एडजेसेंट टू दैट एंगल, जिस एंगल के बेसिस पर हम एज्यूम कर रहे हैं। अपोजिट मतलब अपोजिट टू एंगल, कौन सा, अभी हमने कौन सा एंगल लिया, ए, अभी कौन सा एंगल ले रहे हैं, ए, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर, और सी बी क्या है यानी बी सी क्या है, वो बेस हुआ किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। मैंने कहा सर मुझे ए में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है सर ए रहने देते हैं, हम क्या करते हैं बी कंसीडर कर लेते हैं, फिर से एक ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी सी नाम दे देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा हमने ले लिया ये एंगल, खुश, अब खुश, ये वाला एंगल ले लिया बी, अब ठीक है, अब बी के अकॉर्डिंग देखो तो हमें कुछ नहीं करना सर, ये साइड तो सबसे बड़ी सबसे लंबी 90 के अपोजिट है, हाइपोटेन्यूज ही होगी इसमें, तो ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस हो गया, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब सर बी के एडजेसेंट जो है, यानी एडजेसेंट क्या होता है सर, बिल्कुल पड़ोस में, बिल्कुल लगा हुआ, तो ये क्या होगा सर, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या होगा सर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या बात हुई सर, पहले कुछ और परपेंडिकुलर था, आप कुछ और ऐसी बात है बेटा, यही मैथ्स है, यही फिजिक्स है, हम हर चीज को कंसेप्चुअली देखेंगे, और कंसेप्ट क्या कहता है, हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे देखते हैं, एंगल के बेसिस पर, एंगल बदल दिया, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो गए, ऐसा हो सकता है सर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्यों हो सकता है मैं बता तो रहा हूं आपको, हो सकता है इस वजह से हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, परपेंडिकुलर और बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको बेस कहेंगे, इसकी वजह क्या है, यही दारोमदार है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, क्या कि सर परपेंडिकुलर किसे मान रहे हैं आप और बेस किसे मान रहे हैं, समझ रहे हो। अब हम थोड़ा इसमें थोड़ा घुस जाएं, अंदर डीप स्टडी करते हैं, क्या करते हैं अब देखते हैं सर, क्या बातें करें कि अब हम ना कुछ रिलेशंस डेवलप करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ रेशो। आपसे क्या आ जाए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या है, समझ पा रहे हो बात। तो आप कहेंगे सर ये सिंपल रेशोज हैं, किस चीज के, लेंथ के राइट एंगल ट्राइंगल पे, कैसे हैं वो मैं बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, हम रेशोज की स्टडी करते हैं, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, टी कुछ और नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब इसके बारे में डिस्कस करने के लिए पहले हम एक क्या करते हैं, एक पेयरें खुद बना लेते हैं,
हमें क्या जरूरत है किसी और की बात मानने की, खुद पेयरिंग बनाएंगे फिर हम देख लेंगे कौन सा क्या है। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसे परपेंडिकुलर मान लिया इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग, थीटा एंगल ले लिया, ठीक है, और इसको बेस मान लिया, इसको हाइपोटेन्यूज मान लिया, ठीक है, इसको ए बी सी मान लिया, ठीक है, या ए बी सी छोड़ो, पी क्यू आर भी नहीं होगा, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड क्यों माना सर, पहले तो ए बी सी डी माना था, बेटा नाम है कुछ भी कर लो, यहां पी आ रहा था तो पी क्यू आर नहीं लिया, बी आ रहा था तो ए बी सी नहीं लिया, ताकि कंफ्यूजन डेवलप ना हो। ठीक है, अब आप देखो परपेंडिकुलर समझ गए, बेस समझ गए। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, आपको पता ही होगी ये बेसिक्स हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। ये एक बेटा थ्योरम होती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है, वैल्यू होती है, उसका स्क्वायर करते हैं तो वो एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस आता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आप बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे होंगे, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो अब आप इसे आगे जो है शायद क्लास 9th या 10th में आप इसे प्रूफ भी करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब आप देखें तो सबसे पहले एक्स वाई जेड हमने ट्राइंगल ले लिया, अब आप इसकी पेयरिंग करें। ठीक है सर, पेयरिंग करते हैं, मैंने कहा ठीक है पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, लेना ही तो है, कुछ भी ले लो। ठीक है सर, मान लिया तो हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ले लिया, एक रेशो हो गया ये। सर और रेशो बताओ, मैंने कहा बता देता हूं, दूसरा हम ले लेते हैं बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, ये पॉसिबिलिटी तो है ना, किसी भी दो साइड्स के रेशो लेने, दो साइड्स के कोई भी दो साइड पिकअप कर लो, वही हमें देखना है, उसकी स्टडी करेंगे। आपने कहा सर दूसरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज लूंगा, मैंने कहा ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज आपने कहा सर अब इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, अब एक काम करते हैं इन दोनों को आपस में ही डिवाइड कर दो, कर दो सर, कर दो सर, क्या करोगे सर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को बेस ओवर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो। ठीक है सर, कर दिया, क्या हुआ सर, एच से एच कैंसिल हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स है, तो क्या आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। मैंने कहा सर ये से तीसरा रेशो कंसीडर कर लेते हैं, ये कोई अलग चीज नहीं, समझ रहे हैं, मैंने क्या कहा सर इसे तीसरा रेशो कंसीडर कर लेते हैं। अब और बताओ सर, इतना काफी है, और तो सर कोई मिल ही नहीं रहा, तो कोई नहीं मिल रहा ना, तो एक काम करो जो जो डिनोमिनेटर में है ना उसको न्यूमिनेटर में ले जाओ, और जो जो न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले आओ। क्या करो देखो, चौथा रेशो ले लो, अब क्या करो कॉपी पेस्ट मारो, कॉपी पेस्ट मारेंगे लेकिन यहां नहीं मारेंगे, बिल्कुल आमने सामने, जो जिसका रिश्तेदार है, जो जिस जहां से ड्राइव हुआ है वहीं से लेंगे। पी बाय एच था, अब हमने एच बाय पी मान लिया चौथा रेशो, ठीक है, बी बाय एच था एच बाय पी मान लिया पांचवा रेशो, एक छठा और मान लो, क्या मान लिया बी बाय पी, बस। कहेंगे सर क्यों सर अभी दिल नहीं भरा, और बनाओ दो चार, अब नहीं बन सकते, आप ट्राई कर लो, तीन ट्राइंगल की साइड्स लो, उनके पेयर्स बनाओ, दो साइड्स को एट अ टाइम लो, सिर्फ सिक्स पेयर्स ही ऑब्टेंड हो पाएंगे, दो साइड्स एट अ टाइम लेनी है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आप कहें सर एक साइड को मैंने चार बार गिन लिया, मैं क्या करूं, एक साइड को एक बार गिनना है, समझ पा रहे हो, एक रेशो को एक बार लेना है। ठीक है, और आप इस एतबार से देखें हमारे पास कितने आ रहे हैं बेटा, बस छह आ रहे हैं, बस सिर्फ सिक्स आ रहे हैं हमारे पास, सिक्स रेशो, समझ पा रहे हो बात। नहीं आ रही बात समझ, इतनी बात समझ आ रही है, सर कितने रेशो हो सकते हैं, मैंने कहा सर छह कर लो, छह कर लो, छह रेशो बना लो सर, समझ पा रहे हो बात, तो छह समझ पा रहे हो ना बात। अब आप क्या करो सर, ऐसे ये खाली खाली अच्छे नहीं लग रहे, बार बार कौन रेशोज लिखता है सर, नहीं लिखूं रेशोज, कोई बात नहीं बेटा, अब हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, आपके आपकी बात मान लेते हैं, जो आप कहेंगे वही होगा, ओके ठीक है बेटा। हाँ तो सर क्या करें, क्या कर सकते हैं, एक मिनट
सर फिर हमें क्या करें, क्या करना चाहिए? हम एक काम करते हैं सर, ये रेशोज ना हमें पसंद नहीं आ रहे, अच्छे नहीं लगते ये, फिर क्या करें? रेशोज के नाम से नहीं बुला सकते सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय दिस, परपेंडिकुलर, अरे बहुत झंझट हो गया सर, फिर क्या करें? चलो बेटे एक काम करते हैं, इन्हें एक नाम दे देते हैं, ठीक है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को हम कह देंगे सर, आज से आपका नामकरण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वालों से कहेंगे सर आज से आपका नाम है साइन। और किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बेटा? इस थीटा के रेस्पेक्ट में, जो हमने रेफरेंस माना है किसके लिए? परपेंडिकुलर और बेस के लिए, ठीक है? तो हमने कह दिया सर आप जो हैं आज से साइन थीटा हैं, आपको किसी और नाम से नहीं जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? साइन थीटा के नाम से जाना जाएगा। वैसी ही परपेंडिकुलर बाय सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज को हम क्या कहेंगे सर? हम कुछ एक काम करते हैं, हम कहते हैं इसे कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है सर। फिर इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस को क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस को हम कहेंगे आज से आपका नाम है टेन थीटा, आज से इस नाम से आपको जाना जाएगा, ठीक है सर। आगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या करेंगे? हमने कहा ठीक है सर आज से आपको कॉससेक के नाम से जाना जाएगा। सब में थीटा लग रहा है, क्यों? क्योंकि थीटा इज द रेफरेंस। उसके बाद कॉस थीटा की बात की जाए, वो सॉरी एच बाय बी की बात की जाए, आपको किस नाम से जाना जाए बताइए हजरत, किस नाम से जाना जाए आपको? ये कहते हैं सर हमें सेक थीटा कह के बुलाइए, ठीक है सर, आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अब बेस बाय परपेंडिकुलर से पूछो भाई आपको किस नाम से बुलाया जाए, वो कहेंगे सर हमें कोटेंजेंट या कॉट थीटा के नाम से बुलाओ। ओके सर, आपकी ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी, आपको इन्हें नामों से बुलाया जाएगा। दीज ऑल आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, सारी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के आगे पीछे घूमेगी बेटा। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या है, समझ रहे हो? उसी तरह कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, ये सारी चीजें बेटा फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब ये सोचने की भी जरूरत ना पड़े, आप इतना फ्रीक्वेंट हो जाइए। अब इसके लिए लोग ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप इनको नाम दे दें, नंबर याद रखें कि पहले हमने साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा, टेन पढ़ा, फिर कोसेक पढ़ा, सेक पढ़ा, कॉट पढ़ा। तो उसके लिए लोग ट्रिक्स बनाते हैं, जैसे कि पी बी बी एच एच P, इस तरह की ट्रिक्स बनाते हैं। यानी कि पहला रेशो जो है वो क्या होगा, P by H, दूसरा रेशो क्या होगा, पहले रेशो P by H होगा, यानी ऐसे कंसीडर कर लो, दूसरा ऐसे हो जाएगा, तीसरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब कौन सा हम जब चौथा देख रहे होंगे, चौथा क्या है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको अपोजिट कर देंगे, चौथा कॉसेक ऐसा हो जाएगा, यानी पहले एच लेंगे फिर पी लेंगे, यानी एच जो है न्यूमरेटर में ले लेंगे, मतलब जो भी पुराना रेशो आया था उसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। इसी तरह एच बाय बी सेक हो जाएगा, पी बाय बी क्या हो जाएगा बेटा, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। इसकी ट्रिक्स भी हैं, जैसे हम जब पढ़ते थे तो हमें बताते थे कि बेटा ऐसे याद रख लो कि पंडित बद्री पी सॉरी बेटा यहां पी बी पी होगा, आप लोग भी नहीं बता रहे, ठीक है, और यहां एच एच बी होगा, ठीक है। तो अब याद रखो कि पी बाय एच क्या होता है बेटा, साइन थीटा, और बी बाय एच क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, पी बाय बी क्या होता है बेटा, टेन थीटा, इतना याद रख लो। उसके बाद साइन का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा, टेन का रिवर्स होता है कॉट थीटा। फिर इसको ऐसे याद रख लो, इसको ट्रिक्स के थ्रू हम लोग पढ़ते थे, कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे लोग पढ़ते थे। इसके अलावा आप ऐसे मत भी पढ़ो, कुछ किसी और तरह से पढ़ लो, वैसे इन सब चीजों की बेटा जरूरत नहीं होती। मैं आपको बताऊं, देखो अभी मैंने आपके सामने लिखा तो मुझे ढंग से रेशो मैंने ऑर्डरली अरेंज नहीं करा ट्रिक्स को देखकर। होता क्या है कि ट्रिक्स आप जब अप्लाई करते हो ना, तो बेटा उन चीजों पर अप्लाई करनी होती हैं जो बहुत लेंदी हो,
जो बिल्कुल जो आपका एग्जाम्स में टाइम बचाए। आप तो अभी क्या कर रहे हो, आप तो अभी फाउंडेशन कर रहे हो, अपना बेस बना रहे हो। तो ये सारी चीजें ना आप जब रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो खुद आपके दिमाग में जो है फीड हो जानी है कि साइन थीटा क्या होता है। आपसे कोई पूछेगा बताओ साइन थीटा क्या होता है, आपको रिकॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। मैं पूछूंगा सर आप टेन थीटा बताइए क्या होता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ज्यादा सोचने समझने की। आप स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझसे कहेंगे सर पर आप टेन थीटा पूछ रहे हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये सारी चीजें आप करते करते आ जाएंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये सारी चीजें अभी के लिए फिलहाल याद करनी पड़ेंगी। टेंथ में भी एक टॉपिक रिपीट होने वाला है आपके लिए मैथमेटिक्स में, तो लेकिन हम अभी उसका वेट नहीं कर सकते। इसलिए तो ये सारे रेशोज आप याद रखें, बिल्कुल यकीनन आपको पूरे याद होने चाहिए। इसके अलावा सर इनकी भी कुछ चीजें हैं, कुछ अब जैसे थीटा है, आपने तो कह दिया सर कॉस थीटा आपने एक मान लिया। अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछता हूं, सर ये मैंने थीटा माना, एज्यूम कर लिया कि ये क्या है थीटा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ये बेस कह दिया। सर कितनी बार कहोगे परपेंडिकुलर बेस, अब कुछ नाम दो। मैं ठीक है बेटा एज योर विश, आप जो चाहे वही होने वाला है। तो आप देखें मैंने यहां पे बेटा फोर मान लिया, यहां मान लिया थ्री, मान लो मानने में क्या जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं सर साइन थीटा क्या होता है, आप कहेंगे थीटा है ना, क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है सर, आपको नहीं पता परपेंडिकुलर क्या है। यहां पे बेटा परपेंडिकुलर होता था थीटा की अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट में क्या है फोर, तो यहां मैंने लिख दिया फोर, समझ रहे हो। अब हाइपोटेन्यूज चाहिए, सर हाइपोटेन्यूज तो आपने दे ही नहीं रखी बेटा, उसके लिए आपने एक थ्योरम पढ़ी थी याद हो अगर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया था, पढ़ा था सर, तो हम पढ़ेंगे एच स्क्वायर ही तो निकालना है, एच ही तो निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है फोर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है थ्री, थ्री का स्क्वायर, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया फोर, फोर जा कितना होता है, फोर का स्क्वायर क्या होता है बेटे सिक्सटीन होता है सर, नाइन, नाइन क्या सर थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, थ्री इंटू थ्री नाइन, ये एच स्क्वायर हो गया, तो एच क्या हो गया, एच स्क्वायर कितना हो गया ट्वेंटी फाइव, सर एच की वैल्यू क्या आ गई, सर बेटा एच की वैल्यू कुछ नहीं आई, सर एच क्या होता है फाइव इंटू फाइव, ट्वेंटी फाइव की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, 5 इंटू फाइव आ जाएगी, 5 इंटू फाइव का अंडर रूट कर दूं तो ये एक 5 बाहर ले लूंगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई। और ये बेटा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं पाइथागोरस की जो आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा वही रहती हैं, जैसे कि बेटा ये हो गई 3 4 5, 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर कोई भी दो साइड्स आपको दे रखी हैं, जैसे कि हाइपोटेन्यूज दे रखी है 5, एक 3 दे रखी है, तो तीसरी जो होगी वो 4 ही होगी, ठीक है। इसी तरह एक और होती है 5 12 और 13, 5 12 and 13 भी याद रख लो ये, क्योंकि यही हैं जो रिपीटेडली यूज होती हैं। बाज़ोकात क्या होता है इन्हीं से ड्राइव कर लेते हैं, जैसे कि अगर किसी भी साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ट्रिपलेट तो वही रहनी है बेटा, जैसे कि मैं कह दूं 6 8 10, अगर दो साइड दी हुई थी दोनों में 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया था तो तीसरी साइड में भी आप सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह 5 12 और 13 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये दो ट्रिपलेट आप याद रख लो, याद ही होंगी वैसे भी आपको शायद। अब आपने साइन थीटा पूछा था सर तो ये कितना हो गया 4 बाय 5। इसी तरह कॉस थीटा क्या हो गया सर, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया सर 4 बाय था, बेस तो ये इस थीटा के अकॉर्डिंग, तो मैंने कह दिया सर 3 बाय 5। सर टेन थीटा, टेन थीटा बताओ जरा, टेन थीटा क्या होता है, वॉट इज टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है सर, मैं बताता हूं ना आपको अभी, टेन थीटा क्या होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस होता था। परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर तो 4 है, बेस क्या है, बेस तो 3 है, तो 4 बाय 3 आंसर आ गया। इतनी बातें समझ आ गई आपको। अब मैं आपको बहुत ज्यादा इस पे डीप नहीं जाने वाला,
आज ही इस टॉपिक को कंपाइल कर देंगे, इसलिए मैं सिर्फ बेटा आपके लिए एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज कैसे होगा वो आप क्या करें, आप अपनी स्टडी टेबल्स वगैरह में उसको पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, आप अपनी कॉपी पे लिखें और उसको पेस्ट कर लें, जब भी गुजरे एक आध नजर देख लीजिएगा। और बहुत आसान है, मैं उसको आपको समझाने की ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर रहें, और कोई बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक ये है भी नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं, मैं एक ट्रिक बनाऊंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा बेटा, आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि साइन थीटा अगर निकाल दिया तो कॉस थीटा में बेटा आपको हुज्जत करने की जरूरत नहीं है, मतलब लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कैसे निकलेगा, क्यों? इस वजह से क्योंकि बेटा साइन थीटा का अपोजिट ही तो होता है कॉस थीटा, वो सॉरी कॉसेक थीटा। साइन थीटा अगर 4/5 है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4। इसी तरह कॉस का अपोजिट ही तो बताया था सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सर कॉस थीटा 3/5 है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3। इसी तरह टेन थीटा, सर टेन थीटा बताइए, टेन थीटा भी बता देते हैं बेटे आपको, टेन थीटा क्या था बेटा, अपोजिट था, सॉरी कॉट थीटा बताइए, सर कॉट थीटा अपोजिट था टेन थीटा का, तो ठीक है कॉट थीटा भी बता देंगे, क्या हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। तो इनमें हुज्जत करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यूज पता चल गई तो आपको इनमें हुज्जत करने की जरूरत नहीं है, इसे तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग एक बात मिलती है, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है, इसे भी याद रखो। इसे याद रखोगे तो सिर्फ साइन और कॉस को याद रख लो, जो वैल्यूज मैं बताऊंगा वो साइन और कॉस की याद रख लेना। टेन थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, और जब मैं आपको रेशो बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि जब साइन और कॉस को आप डिवाइड करोगे तो हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाएगा, जब हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाएगा बेटे तो फिर क्या बचेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा को आप साइन बाय कॉस भी कह सकते हैं, इसे ऐसे भी देख लो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस हो गया, यहां बेस बाय हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल, क्या बचा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अरे सर परपेंडिकुलर बाय बेस तो टेन होता था, हाँ बेटा वही तो कह रहा हूं मैं, वही तो कह रहा हूं, टेन कंसीडर कर लो। अब आप देखो एक कुछ वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, स्टैंडर्ड हैं और आपको बेटे आनी चाहिए, वो वैल्यूज आपको 100% आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह इस्तेमाल है, अभी भी इस्तेमाल होने वाला है आपका, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज मैं आपको लिख के दूंगा, क्या वैल्यूज होंगी वो, तो पहले तो यहां पे मैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब जैसे कि मैंने यहां पे थीटा लिया ना, तो अब आपको पता होगा यार कि मैंने एक ट्राइंगल लिया ऐसे, फॉर एग्जाम्पल इसका कोई एक थीटा मैंने कह दिया 60 डिग्री, यहां कोई साइड लेंथ होगी, यहां कोई साइड लेंथ होगी, अगर बेटा मैं थीटा बढ़ाऊंगा तो ये थीटा इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर देगा, सिर्फ ये बढ़ा रहा हूं, और क्या करेगा, जब ये बड़ा हो जाएगा और 90 कांस्टेंट रहेगा, ये जो है कितना 60 से कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से आप देख लो, अगर एनालाइज नहीं कर पा रहे तो ये जो भी था, ये जो एंगल था वो उससे कम हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ये जो भी एंगल था उससे कम हो जाएगा। तो बेटा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या पढ़ लोगे मैथमेटिक्स में, जब आप एंगल बढ़ाओगे तो साइड भी तो बढ़ेगी, नहीं आ रही बात समझ। अब आप मुझे बताओ कि मैंने कहा कि एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, इसमें क्या फर्क है, मैं कह रहा हूं सर इसमें थीटा कम है तो साइड कम थी, इसमें थीटा बढ़ गया तो साइड भी बढ़ गई, तो साइड अगर अपना लेंथ चेंज करेगी तो बेटा कहीं ना कहीं अगर साइड चेंज हो रही है तो वैल्यूज भी बदलेंगी, वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो वही क्या होता है बेटा, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिसमें रेशो जो है वो कांस्टेंट आता है, यानी सेम रेशो रहता है, कुछ कांस्टेंट एट अ स्पेसिफिक एंगल हमेशा वैल्यू सेम रहेगी। मतलब आपसे कहा जाए कि बेटा टेन थीटा क्या है, आप कहेंगे सर वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है,
टेन की वैल्यू टेन जीरो पे देखोगे तो अलग आएगी, टेन वन पे देखोगे तो अलग आएगी, टेन नाइन्टी पे देखोगे तो अलग आएगी। लेकिन आपसे कहा जाए सर टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, अब आप कहेंगे सर ये कॉन्स्टेंट होती है। टेन जीरो की वैल्यू कोई एक ही हो सकती है। और टेन थीटा क्या है बेटा, ये एक लेंथ नहीं है, सिर्फ लेंथ नहीं है बल्कि रेशो है। समझ रहे हो बात? अब देख लो, थोड़ी सी एक टेबल है वो याद रखना। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पर मैं आपको सिर्फ किसकी बताने वाला हूं बेटा, साइन कॉस की बताने वाला हूं, बाकी आप सब खुद लिखेंगे, ये आपका होमवर्क होने वाला है। मैं आपको साइन और कॉस का बताऊंगा, आप बाकी सब होमवर्क लिखेंगे, ठीक है? तो यहां पे मैं एंगल्स लिखूंगा कुछ बेटा, जैसे कि जीरो डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री बेटा, जैसे 45 डिग्री, जैसे कि 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ स्टैंडर्ड पांच एंगल हैं, और भी होते हैं वो मैं आपको रेगुलरली बताता रहूंगा, अभी इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस इतना देखें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है? तो अब हम दो चीजों की डिस्कस करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, अब आपको वैल्यूज निकालने के लिए पहले मैं एक चीज बता देता हूं। एक काम करो, पहले आप क्या करो बेटा, एक काम ऐसा करो कि आप डिनोमिनेटर में सब तरफ 4 लिख दो। हालांकि ये बताने वाली बातें होती नहीं है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं आपको आपके मुतमईनी के लिए, वरना आप कहेंगे सर आपने ऐसे बता दिया बाकी सब तो ऐसे बता, तो उस चीज से बचने के लिए मैं आपको वो ट्रिक्स भी बता देता हूं, उसमें कोई हार्ड बात नहीं है। सिर्फ साइन के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी, डिनोमिनेटर में सबको 4 लिखो, फिर क्या करो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, फिर इन सबको डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड नहीं, रूट ले लो, अंडर रूट में ले लो सबको। ये मैं बताता नहीं हूं बेटा कभी, क्यों नहीं बताता, क्योंकि बेटा अभी बीच में भी वैल्यूज आने वाली हैं। अभी तो आप बेसिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, यहां पे भी मैं एक वैल्यू लूंगा 37, यहां पे भी मैं आपको वैल्यू लूंगा 50, तो आप इतना काम झाम नहीं कर सकते उस चीज में, समझ रहे हो बात को? आपको वैल्यूज ऑन योर फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ये किसकी वैल्यू थी बेटा, साइन की, साइन बता दिया, हाँ बता दो सर। अब साइन की वैल्यू देख लो क्या क्या निकल रही है, जीरो डिग्री पर क्या बेटा, जीरो डिवाइडेड बाय कुछ भी वैल्यू जीरो आएगी, तो साइन जीरो हमेशा कितना होगा, साइन जीरो हमेशा जीरो डिग्री होता है, ठीक है बेटा? अब यहां देख लो, वन बाय रूट फोर है, तो रूट फोर की वैल्यू क्या कितनी होती है, टू होती है, तो साइन 30 बेटा 1/2 हो गया, समझ रहे हो? अब साइन 45 कितना हो गया बेटा, साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, साइन 45 की वैल्यू सर ये काटो कैंसिल करो तो 1/2 हो गया, 1/2 को एज इट इज लिख दो, ज्यादा जरूरत नहीं है, 1/√2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसको लिखो सर, कैसे लिखोगे सर, 4 का तो रूट हमें पता है, 2 × 2 = 4 होता है, तो 4 को अलग लिख लो, यहां पे लिख लो 4, तो यहां लिख दो 2, 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, ऊपर लिख दो √3, जिनका नहीं पता छोड़ो, हमें कोई जरूरत नहीं इतना याद रखने की। 4/4 सर 1, 1 का रूट 1 ही होता है, 1 × 1 = 1 होता है, इसलिए। अब आप cos थीटा की वैल्यूज भी एज इट इज देखो, cos थीटा क्या करोगे, cos थीटा में जो वैल्यूज मैंने आगे से पीछे लिखी है वो आप पीछे से आगे लिखना शुरू कर दोगे, समझ पा रहे हो बात? कैसे, यहां साइन 90 की वैल्यू 1 थी, यहां साइन 0 की डिग्री 1 हो जाएगी, यहां साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, यहां साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। इसके अलावा साइन 45 यहां पे भी 1/√2 है, यहां पे भी 1/√2 रहेगा, यहां पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, यहां पे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, यहां साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहां कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। कुछ नहीं है सर, जो आगे से पीछे जा रहे थे वो पीछे से आगे चले गए। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो बात? अब आप क्या करेंगे, एक होमवर्क है आपका, टेन थीटा की वैल्यू खुद लिखेंगे। कैसे लिखोगे, सारी वैल्यूज अब आप खुद लिखोगे, कैसे लिखोगे मैं वो मैं बता देता हूं। टेन थीटा को बेटा आप साइन बाय कॉस लिखोगे, टेन थीटा को इज इक्वल टू लिखना साइन थीटा बाय कॉस थीटा रफ में। अब लिखना साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा,
अब हम निकालनी है, मान लो टेन जीरो की वैल्यू, टेन जीरो डिग्री कितना हो जाएगा, साइन जीरो डिग्री बाय कॉस जीरो डिग्री। रेशो एक एंगल के अकॉर्डिंग लोगे तो सारी चीजें बेटा एक ही एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो साइन जीरो बाय कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, जीरो बाय वन कितना होता है बेटा वन, तो टेन थीटा जीरो डिग्री की वैल्यू हो जाएगी वन। इसी तरह जितनी वैल्यूज हैं वो आपको खुद निकालनी है ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए। फिर कॉस थीटा की कैसे, कॉसेक थीटा की कैसे निकालोगे, जो भी साइन की वैल्यू निकाली थी उसका रिवर्स कर दोगे, वन बाय साइन थीटा। समझ पा रहे हो बात, जैसे कि कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू क्या थी, अब मुझे निकालनी है मान लो कॉसेक 45 डिग्री, कैसे निकालोगे, वन बाय साइन 45 डिग्री, वन बाय साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा सर, वन बाय रूट टू, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू वन बाय रूट टू पड़ी है, अब ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा ये। तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, रूट टू। समझ पा रहे हो बात, अब ये बस ट्रिग्नोमेट्री हम इतना ही पढ़ने वाले। आप कहेंगे सर थोड़ा और आइडेंटिटीज आपने छोड़ दी, वो सारी चीजें बेटा आप मुतमईन रहो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना, और वो आप टेंथ क्लास में आराम से पढ़ना, ठीक है। अभी जो जो चीजें इस्तेमाल होनी थी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। आपको बेटा इन सब चीजों को बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, समझ पा रहे हो बात, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, समझ पा रहे हो बात। ये टेबल आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, मतलब ये ना हो कि अगर मैं आपसे साइन 45 की वैल्यू पूछूं तो आप ये सब काम झाम करने लगो, नहीं बेटा फिंगर टिप्स में वैल्यू होनी चाहिए, साइन 45 वन बाय रूट टू, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और कुछ ये बेसिक रेशियोज याद रखना। तो आज की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री हमें जितनी करनी थी वो कर ली, कल से हम स्ट्रिक्टली वेक्टर को फॉलो करेंगे, वेक्टर पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है। अब आप अब तक के लिए थैंक यू, और आज के लिए बस इतना ही, और आप यासिर अली क्लासेस से जुड़े रहें और उसके ऐप वगैरह को भी देख सकते हैं, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और हम अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात करेंगे प्योरली वेक्टर्स के साथ, ठीक है, और काफी पोर्शन वेक्टर्स का कंप्लीट कर देंगे, निपटा देंगे, फिक्र मत करें। अल्लाह हाफिज़।